बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग आईपीएल मैच नंबर 49 दोस्तों खेले जाने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे। अब बात करूं सबसे पहले पॉइंट टेबल की ना, तो बैंगलोर की टीम अभी है 5th पोजीशन पे, वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम पॉइंट टेबल पे है 9th पोजीशन पे। तो बैंगलोर की टीम यहां पर भरसक कोशिश करेगी कि इस मैच को विन करके खुद को 4th पोजीशन पे रखने की, और चेन्नई सुपर किंग को आप लोगों को पता ही है उनके चांसेस बहुत कम है, तो वो भी अपनी तरफ से 100% देगी और कोशिश करेगी कि प्रीवियस मैच की तरह इस मैच को भी वो जीत जाए। ओके, टीम न्यूज की यहां पर बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस आप लोगों को होते हुए दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम पे। मोइन अली एम सेंटनर के बदले आ सकते हैं और ड्वेन ब्रावो आप लोगों को डी प्रिटोरिस की जगह खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये दो चेंजेस एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो कि आप लोगों को दिखेगा चेन्नई सुपर किंग के टीम पे। ओके, इस आईपीएल पे ये दोनों टीम एक बार प्रीवियसली मैच खेल चुकी है। उसमें क्या हुआ था, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 216 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान में। शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा दोनों ने जबरदस्त बैटिंग किया था। बेंगलुरु की टीम जब बैटिंग करने आई तो वो 216 रन के रन को चेस करते हुए सिर्फ 193 रन बना पाई थी और उनके 9 विकेट गिर गए थे। महेश थिक्सना और रविंद्र जडेजा को 4 और 3 विकेट मिले थे। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो में प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, उनके रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं, वेन्यू में उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं और साथ ही साथ कुछ की प्लेयर्स देखते हैं जो कि आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग पे सुपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर भी आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस करता रहूंगा। ओके दोस्तों, और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे भी है जो कि है पूरे 1 लाख रुपए का। वीडियो के दौरान आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप लोगों ने उन 2 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग इजीली जीत सकते हो 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एमसीएस स्टेडियम पुणे में दोनों टीमों ने जो मैच खेला है वहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ओके, यहां पर देखोगे तो बेंगलुरु और सीएसके दोनों ने यहां पर दो दो मैचेस खेले हैं। बेंगलुरु ने यहां पर जो मैचेस खेले हैं ना उस पे बेंगलुरु की टीम ने एक बार तो सिर्फ 115 रन पे ऑल आउट हो गई थी, एक बार चलो स्कोर ही कम था तो उसे इजीली चेस कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पे। वही बात करूं सीएसके की टीम को तो सीएसके ने यहां पर 202 रन बनाए थे, ठीक है, और सीएसके ने यहां पर 169 रन बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बात अगर आप लोग देखोगे कि बेंगलुरु के एक बार 10 विकेट गिरे हैं, बाकी आप लोग देखोगे तो ज्यादा विकेट्स यहां पर दोनों टीम के नहीं गिरे हुए हैं। ओके, टोटल यहां पर 114 विकेट गिरे हैं, 79 विकेट पेसर का है, 26 विकेट स्पिनर का है, मतलब पेसर को यहां पर ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्लेइंग 11 को और उसके बाद देखेंगे एक एक करके सारे प्लेयर के स्टैट्स को। प्लेइंग 11 अगर आप लोग देखोगे तो बेंगलुरु की टीम पर आप लोगों को विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, एम लॉमरोर, डब्ल्यू असरंगा, एच पटेल, जे हेजलवुड और मोहम्मद शिराज खेलते हुए दिखेंगे। चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 को देखोगे तो यहां पर आप लोगों को ऋतुराज गायकवाड़, डी कॉनवे, उसके बाद आप लोगों को रॉबिन उत्तपा, मोइन अली इस मैच को खेलने वाले हैं, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो, मुकेश चौधरी, थिसकना और सिंह खेलते हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर टेलीग्राम ग्रुप को जो कि हम लोगों का जहां पर आप लोगों को पर्सनल टीम मिलती है, मतलब जो मेरी अपनी टीम होती है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना टेलीग्राम ग्रुप तो उसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो बहुत अच्छा है, क्यों मालूम है, क्योंकि नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप लोगों का पहला गेम क्या होने वाला है, यहां पे फ्री होने वाला है। आप लोगों का पहला गेम जब फ्री होगा दोस्तों तो इसका मतलब वहां पर जो आप लोगों का ग्रैंड मेगा कॉन्टेस्ट है ना वो कितने का होता है मालूम है, वहां पर फर्स्ट प्राइज होता है 1 करोड़। इसका मतलब आप लोग फ्री में खेल कर जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए।
तो सभी लोग जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, नीचे लिंक के थ्रू ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। प्लस इस ऐप पर आप लोगों को बीट द एक्सपर्ट फीचर दिखता है, जहां पर पैसे सीधा 5 गुना होते हैं। आप लोगों को 1500 रुपए का बोनस मिलेगा नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। प्लस आप लोगों को फर्स्ट डिपॉजिट में 20% रियल कैश मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस को। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन से। ओके, विकेट कीपर वाले सेक्शन को देखोगे तो बेंगलुरु की टीम पर आप लोगों को दिखते हैं दिनेश कार्तिक खेलते हुए। थर्ड ऑन पोजीशन पे आते हैं। पहले इनका आईपीएल बहुत खतरनाक चल रहा था, मतलब इससे प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे ना आईपीएल के जबरदस्त थे, बट लास्ट के तीन के चार मैच से ये कंप्लीटली फ्लॉप चल रहे हैं। यहां देख लो, कंप्लीटली फ्लॉप। ठीक है, एक बार आप लोग फिगर भी रख लो, 13 रन 0 रन 6 रन 2 रन। इस वेन्यू पे 7 मैच खेला है, 118 रन बनाया है, 33 इनका बेस्ट रिकॉर्ड है। पूरा आईपीएल करियर देखोगे तो 223 मैच 26 का इनका एवरेज है। वहीं अपोजिट साइड पे आप लोगों को दिखते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने भी पहला मैच अच्छा खेला था, उसके बाद सेकेंड मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, इसके बाद इनका परफॉर्मेंस भी डाउन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर देखोगे 12 रन 8 रन, ज्यादा कुछ इन्होंने भी नहीं किया है। बट इस वेन्यू पे देखोगे तो 21 मैच में 500 रन बनाकर 61 इनका बेस्ट स्कोर है इस वेन्यू पे। ठीक है, बाकी प्लेयर दोनों शानदार है, बट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिनेश कार्तिक को अपने टीम पर रखकर चलना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दिनेश कार्तिक को? बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी ना डाउन द लाइन काफी नीचे आते हैं और दिनेश कार्तिक ठीक ठाक थर्ड डाउन पोजिशन पे आ जाते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी आप लोगों के फिफ्थ डाउन पोजीशन पे आते हैं। इसीलिए मैं प्रायोरिटी दूंगा किसे? दिनेश कार्तिक को मोस्ट ऑफ द टीम पे। मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग चाहो तो महेंद्र सिंह धोनी को ट्राई कर सकते हो। दोनों महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक आप लोगों के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर नहीं है। ओके, अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों को देखो विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोर दिखेंगे। ओके, वहीं अगर आप लोग देखोगे सीएसके की टीम पे तो आप लोगों को ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवाय, रॉबिन उत्तपा और अंबती राइडू खेलते हुए दिखेंगे। यहां देखो विराट कोहली के अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म को देखोगे ना तो यहां पर उनके 58 रन बनाए गए इन्होंने लास्ट मैच पे। काफी दिनों के इंतजार के बाद विराट कोहली अच्छे निक पे दिखे थे और इन्होंने 58 रन बनाया था। फाफ डुप्लेसी ने एक बार 96 रन तो बनाया, बट फाफ डुप्लेसी ना अभी तक अच्छे निक पे नहीं दिखे हैं। ओके, रजत पाटीदार ने लास्ट मैच में शानदार 52 रन की पारी खेली थी और महिपाल लोमरोर को नीचे भेजा जाता है काफी, फिफ्थ डाउन पोजीशन पे आते हैं, 16 रन की इन्होंने पारी खेली थी। अगर स्मॉल लीग की बात करूं तो स्मॉल लीग पे तो देखो महिपाल लोमरोर को आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहां से आप लोगों को विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी में से किसी एक प्लेयर को लेकर चलना चाहिए, किसी एक प्लेयर को। ठीक है, कुछ टीम पर आप लोग विराट कोहली को लेकर चलो, कुछ टीम पर आप लोग फाफ डुप्लेसी को लेकर चलो। ओके, वहीं बात करूं ऋतुराज गायकवाड़ की तो ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट मैच में शानदार 99 रन की पारी खेली, 31 मैच खेला है, 39 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 101 रन है। लास्ट मैच में सेंचुरी बनाते बनाते रह गए। ठीक है, 2 मैच खेला है इस वेन्यू पे और दोनों मैच में अच्छे रिकॉर्ड है, इस बात को ध्यान रखना। एक मैच में 99 रन है तो दूसरे मैच में 73 रन है, तो वेन्यू इन्हें बहुत पसंद आता है ऋतुराज गायकवाड़ को, इस बात को ध्यान रखना। डिवॉन कॉनवॉय की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी तक आईपीएल में ज्यादा मैच नहीं खेला है, 2 मैच खेला है, बट लास्ट मैच में इन्होंने भी 85 रन की शानदार पारी खेली थी। इस पर्टिकुलर वेन्यू पे इन्होंने एक ही मैच खेला है जिनपे की इन्होंने 85 रन इनका बेस्ट स्कोर है। रॉबिन उत्तपा फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आएंगे, 88, फिर उसके बाद फ्लॉप, फिर 30, फिर फ्लॉप, लास्ट मैच में बैटिंग ही नहीं रहा। 202 मैच खेले हैं इन्होंने, 27 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 88 का है, 27 बार 50 मार चुके हैं और इस वेन्यू पे अच्छे खासे मैच खेले हैं इन्होंने। 21 मैच खेले हैं, 543 रन बनाया है और 87 का इनका एवरेज है, एवरेज बोलू बेस्ट स्कोर है इस वेन्यू पे। अंबती राइडू की बात करूं तो थर्ड डाउन पोजीशन पे आते हैं, 46 40 78, जब भी अपॉर्चुनिटी मिला है ना हर मैच में इन्होंने स्कोर किया है। इस वेन्यू पे बेस्ट स्कोर इनका 100 का है, मतलब जो एक सेंचुरी मारी है ना इन्होंने यहीं पर मारी है।
मतलब भाई एक चीज आप लोग नोटिस करो कि भैया सीएसके के जितने भी टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर है ना, सीएसके के बैटिंग लाइनअप के जो टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर है ना, सारे का इस वेन्यू पे जबरदस्त परफॉर्मेंस है। चाहे मैं बात करूं ऋतुराज गायकवाड़ की, चाहे बात करूं डिवॉन कॉनवे की, चाहे बात करूं रॉबिन उत्तपा और अंबती रायडू की। तो आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी में से एक प्लेयर लेना चाहिए और दो प्लेयर आप लोगों को डिफरेंशियली सीएसके के टीम से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। जैसे रॉबिन उत्तपा के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई कर लिया, अंबती रायडू के साथ डिवॉन कॉनवे को ट्राई कर लिया, इस तरह से आप लोग इन दो स्पॉट के लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हो मेगा ग्रैंड लीग पे। और यहां पर आप लोग सिर्फ एक प्लेयर को लेना, विराट कोहली या फाफ डुप्लेसी को, क्लियर। ओके अब आ जाओ दोस्तों अगले सेक्शन पे, जो कि है आप लोगों का ऑलराउंडर वाला सेक्शन। लेकिन उससे पहले गिव अवे के क्वेश्चन सुन लो दोस्तों। गिव अवे का आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस मैच का कैप्टन कौन होगा। पहली बार आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस मैच का कैप्टन कौन होगा और उसके कितने पॉइंट्स होंगे। सेकेंड, आप लोगों ने मुझे बताना है इस मैच में कितने प्लेयर कैच आउट होंगे, क्लियर। अगर आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, एग्जैक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो आप लोगों को भी 1,00,000 रुपए का फ्री गिव अवे मिल जाएगा। अगर दो लोगों का सही हुआ ना तो 50,000 मिलेंगे, इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करना। ओके चलो अब देख लेते हैं आगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन को। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आप लोगों को दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल का ना अभी तक ये वाला आईपीएल कुछ खास नहीं गया है। स्टार्टिंग में तो अच्छा कर रहे थे कुछ मैचेस पे, बट अगर यहां पर देखोगे तो 12 रन, फिर 0, फिर 33। 8 मैच खेले हैं इस वेन्यू पे, 82 रन है और 1 विकेट है, मतलब इस वेन्यू पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। शहबाज अहमद की अगर मैं बात करूं तो 2 मैच में इनके भी 17 रन है यहां पर। लास्ट मैच में 2 विकेट जरूर इन्हें मिल गए थे, बट उससे पहले विकेटलेस गए थे, बट बैटिंग से चिप इन कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखना, बट वेन्यू पे इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मोइंग अली की मैं बात करूं तो मोइंग अली कल के मैच को खेलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, सेकंड डाउन पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। अगर बॉलिंग बैटिंग दोनों ठीक ठाक कर लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, मोइंग अली इंपॉर्टेंट होंगे। रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रविंद्र जडेजा को देखोगे तो यहां 3 विकेट है, उसके बाद ये 22 रन और 1 विकेट है, फिर यहां पर कुछ खास लास्ट के 3 मैच में इनका भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 209 मैच खेले हैं, 26 का इनका एवरेज है, 132 विकेट है दोस्तों इनके पास, 2 बार 50 बना चुके हैं और 3 बार 4 विकेट से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू पे अगर आप लोग देखोगे तो इस वेन्यू पे 12 मैच में 88 रन बना के 7 विकेट है इनके पास, ठीक है। तो किसी भी प्लेयर का इस पर्टिकुलर वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो स्मॉल लीग पर आप लोग चाहो तो ऐसे 2 प्लेयर को 3 प्लेयर लेकर जा सकते हो यहां से, आप लोग चाहो तो, ठीक है। आप लोग यहां से ग्लेन मैक्सवेल को लेकर चल सकते हो, आप लोग यहां से मोइंग अली और रविंद्र जडेजा को लेकर चल सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग ग्लेन मैक्सवेल को ले लेना अपने टीम पर, और साथ में यहां पर आप लोग रविंद्र जडेजा और मोइंग अली के बीच में डिफरेंशियल बनाकर चलना, क्लियर। मेगा ग्रैंड लीग की 6 डिफरेंशियल टीम आप लोगों को मैं मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों अब आ जाओ आप लोग लास्ट सेक्शन पे, जो कि है आप लोगों का बॉलिंग वाला सेक्शन। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वनिंदु हसरंगा को अगर आप लोग देखोगे तो वो लास्ट मैच में 2 विकेट थे, उससे पहले 2 विकेट थे, उससे पहले विकेट लेस जा रहे थे, इस मैच में ज्यादा नहीं इन्हें 1 विकेट मिल सकता है। 12 मैच खेले हैं, 15 इनके टोटल विकेट्स है, 2 मैच में 4 विकेट्स है, वेन्यू पे परफॉर्मेंस ठीक है। हर्षल पटेल की मैं बात करूं तो ये काफी टाइम से विकेट लेस जा रहे हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अगर बेंगलुरु की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करती है तो आप लोगों के लिए हर्षल पटेल सीवीसी के भी एक अच्छे कंटेंडर रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए, इस बात को ध्यान करना। जोश हेजलवुड की बात करूं तो स्टार्टिंग में ये भी जबरदस्त परफॉर्मेंस लेकर आए थे, फिर उसके बाद यहां पर देखो तो 0-0 विकेट ही है। 18 मैच खेले हैं, 22 विकेट है इस वेन्यू पे, 1 मैच खेल के 2 विकेट है इनके पास। मोहम्मद शिराज की मैं बात करूं तो मोहम्मद शिराज भी आप लोगों को यहां पर एक बार 2 विकेट मिले हैं, यहां 2 विकेट वरना 1 विकेट 0-0 ही मिलते हैं इसे भी। 60 मैच में 58 विकेट है, वेन्यू पे रिकॉर्ड सही नहीं है।
ड्वेन ब्रावो डेथ पे बॉलिंग करने आते हैं दोस्तों, शानदार बॉलर है, आग बंद करके अपने टीम पे आप लोग लेकर चल सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस है, खेलने का बहुत खेले हैं T20 उन्होंने, ठीक है, उन्हें पता है कैसे बॉलिंग करना है और कैसे विकेट लेना है, हर मैच में विकेट होते हैं इनके पास। ठीक है, 159 मैच में 181 विकेट्स है, वेन्यू में भी 10 मैच में 11 विकेट्स है। मुकेश चौधरी की मैं बात करूं ना, तो मुकेश चौधरी अभी लाइमलाइट पे है। ठीक है, यहां देखोगे तो मुकेश चौधरी ने एक बार 3 विकेट लिया, उसके बाद विकेटलेस गए, फिर 4 विकेट ले लिए, कल के मैच में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होगा, बट मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते। महेश तिसकना की मैं बात करूं तो महेश तिसकना लास्ट के कुछ मैच से ये फ्लॉप चल रहे हैं, कल इनका भी दिन हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। 6 मैच में 8 विकेट है, स्टार्टिंग पे एकदम यहां पर तो 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट फ्लो पे आ गए थे, फिर लास्ट के कुछ मैच से फ्लॉप हो रहे हैं। तो कल का प्रिडिक्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रिडिक्शन यही है कि मुकेश चौधरी फ्लॉप होंगे, महेश तिसकना को विकेट मिल सकते हैं। बाकी सिमरजीत सिंह की मैं बात करूं तो कुछ इंपैक्टफुल बॉलिंग लगी नहीं मुझे, ठीक है, एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। तो बॉलिंग वाले सेक्शन से ड्वेन ब्रावो इंपॉर्टेंट है, महेश थिसकना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट है, और वनिंदु हसरंगा और जोश हेजलवुड के बीच में डिफरेंशियल बनाकर चलना, मतलब बॉलिंग वाला सेक्शन यही होगा आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए भी। क्लियर, ओके। अब एक बार मैचअप देख लो, यहां देखो तो रविंद्र जडेजा को देखो जरा, रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली को 3 बार आउट किया है, दिनेश कार्तिक को 3 बार आउट किया है, और मैक्सवेल को 6 बार आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट, मैचअप देखा जाएगा, पूरे 4 ओवर कराएगा आगे। मुकेश चौधरी की बात करूं तो विराट कोहली को 1 बार आउट किया है, बाकी किसी को आउट नहीं किया है। एम थिसकना की बात करूं तो इन्होंने विराट कोहली को आउट किया है, फाफ डुप्लेसी को आउट किया है, बाकी किसी को आउट नहीं किया है, बट ड्वेन ब्रावो को देखो दोस्तों, सबको आउट किया है, सबको परेशान भी किया है और सबको आउट भी किया हुआ है। तो ड्वेन ब्रावो इंपॉर्टेंट होगा, रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट होगा, और एम थिसकना को भी आप लोग इंपॉर्टेंट कंसिडर करना, ज्यादा इनकी बॉलिंग नहीं खेली है इसीलिए ये इतने आप लोगों को यहां पर विकेट लेते हुए नहीं दिख रहे होंगे। ओके, सेकंड मैचअप देखोगे तो मोहम्मद शिराज ने आज सच किसी को परेशान नहीं किया है, अंबती रायडू को जरूर 1 बार आउट किया है, बट बाकी किसी को आज सच परेशान नहीं किया है। हर्षित पटेल की मैं बात करूं तो इन्होंने अंबती रायडू को बड़ा परेशान कराया, इन्होंने रॉबिन उत्तपा को भी 1 बार आउट किया है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी 2 बार आउट किया है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया एच पटेल क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जोश हेजलवुड ने ज्यादा कुछ करा नहीं है, बट ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उत्तपा दोनों को 1-1 बार इन्होंने आउट कर रखा है। क्लियर, बाकी वनिंदु हसरंगा ने 1 बार रॉबिन उत्तपा को आउट करा है, 1 बार रविंद्र जडेजा, ज्यादा कुछ बड़ा मैचअप है नहीं यहां पर। तो एच पटेल इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के बीच में आप लोगों ने डिफरेंशियल बनाना है। क्लियर, बॉलिंग वाला सेक्शन एकदम क्लियर हो गया। अब देख लो दोस्तों, 2 टीम जिसे आप लोग यूज कर सकते हो स्मॉल लीग पर, दिनेश कार्तिक आप लोगों को दिखेंगे, दिनेश कार्तिक आप लोगों को दिखेंगे विकेट कीपर वाले सेक्शन पे, बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उत्तपा, फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे, रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दिखेंगे, यहां पर अंबती रायडू और डी कॉनवे दिखेंगे, साथ में फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली दिखेंगे। मतलब क्यों मालूम है? क्योंकि जे हेजलवुड ना ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर सकता है, इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रखें। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास ड्वेन ब्रावो, थिसकना, हसरंगा और जोश हेजलवुड है, यहां पर भी मेरे पास सेम टीम है, ड्वेन ब्रावो, थिसकना, डब्लू हसरंगा और जोश हेजलवुड, मतलब बॉलिंग वाला सेक्शन तो लगभग आप लोगों का यही जाने वाला है। आप लोग चाहो तो यहां पर जैसे जोश हेजलवुड है, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ है ना, आप लोग इसके बदले यहां पर एच पटेल को लेकर चल सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है हेजलवुड किसे आउट कर देगा, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर लेगा, इसलिए ये चेंज कर लेना आप लोग यहां पर। ठीक है, क्लियर। तो यही 2 टीम है दोस्तों जो कि आप लोग अपने जो स्मॉल लीग की टीम है उस पे आप लोग ट्राई कर सकते हो हेड टू हेड और 3 स्पॉट तक पे। ओके दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो में। बाकी इंपॉर्टेंट बात, माई 11 सर्कल ऐप, जिस ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था ना दोस्तों, कि फ्री पे आप लोग 1 करोड़ रुपए यहां पर जीत सकते हो,
अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, अब वीडियो फिनिश भी हो चुका है, आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूं, तुरंत जाओ और ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, फीचर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे, तो इन्हें मिस मत करना, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेल।